सरकार ने वर्ष 2009 से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई है ताकि प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण करवाया जाए, परंतु बहुत दुख की बात है कि जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत दीवाना के घुटवा गांव में जातिगत भेदभाव के चलते वहां विद्युतीकरण न होने से सुनीता सहित 325 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी है वे दीदी जी कि हमारे गांव लाइट नहीं है, हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हमारे सब लड़कियाँ कैसे पढ़ी हैं, कैसे आगे निकले, दिक्कत नहीं आ रहा खाना बनावा, अब कीड़े बिछी निकले कहूँ काट ले तब का होए। अच्छा, आपके गांव काहे के ना आए? अब काहे कि पूर्व ही गड़ा चमारे के नाते से हमारे सन गरीब आदमी है। अच्छा, आपके गांव में लाइट आई जाए तो कौन फ़ायदा हुए? फ़ायदा दीदी जी यह होए कि लड़कियाँ पढ़ी हैं लिखी हैं आगे बढ़ी हैं, और अंधेरे में सन खाना खाए थे अंधेरे में खाना बनाए थे, कम से कम एक सुविधा हुई जाए हमारे सबके। परेशानी यही है हमारे गांव में लाइट नहीं है, लाइट ना रहने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं समय समय से, और लाइट जैसे शादी उदी पड़ती है तो जगनेटर लाना पड़ता है, उतना हम गरीबों के पास धन नहीं है कि मतलब उतना बिजली जगनेटर से प्राप्त कर सकें। लाइट आवे से का फ़ायदा होगा? लाइट आने से ये फ़ायदा होगा, हम लोग समय से पढ़ेंगे और मोबाइल चार्ज होगा, टीवी पंखा सब चलेगा, उससे जानकारी होगी, समाचार देखेंगे। देवाना का ही एक पुरवा है जो घुटवा के नाम से जाना जाता है, दलित बस्ती है जिसमें आज तक कभी लाइट नहीं पहुंची। अब कारण क्या हो सकता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि लगभग एक साल दो साल में वहाँ पर बिजली लग जाए जिससे जनता को वहाँ की जनता को लाभ मिले। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि घुटवा गांव में विद्युतीकरण हो ताकि इनकी यह समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जनपद अम्बेडकर नगर के अधिशासी अभियंता का मोबाइल नंबर 94159014 85 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहट के लिए।